है, किसी को फाइव मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी फाइव मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं। चलने में मेरी शुभकामना है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है उन तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे तुझ हो या चाहे कुछ हो। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, या आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, लीडर ऑफ सेशन ये जिम्मेदारी पहले उनको दी थी। लेडी दर कमान कमान हर्षा, कोई भी कुछ भी चाहते तो मुझे इससे कोई नकार नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं। चलने में मेरी शुभकामना है। बात अच्छी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है उन तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम एफिडेविट दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। मेरे चिट्ठी के बारे में चुनाव आयोग तय करेगा। मुझे मालूम है इस देश में इंफॉर्मेशन पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करेगा। सशक्त तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे तुझ हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है वहाँ क्या स्थिति है उस राज में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया, जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। आपको एक बार मौका सतारा डिस्ट्रिक्ट आपका डिफेक्शन पवार साहब बोल रहे आपको पता लगेगा कुछ दिनों में इससे क्या वजह हो रहा है। इस तरह से ईडी और सीबीआई के आरोप होते हैं और बाद में लोग जो अपना नेतृत्व छोड़ के अदर पार्टी में चले जाते, नई पार्टी बनाते, इस तरह से कितनी पार्टियां देश में टूटी ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये बात सच है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाला अपोजिशन को दबाव लाने के लिए, वीक करने के लिए ईडी सीबीआई अंतर्गत एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे। ठीक है, 8-10 महीने 11 महीने बाकी है, इसके बाद चुनाव होगा और स्थिति देश की बदलेगी, तब तो इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है इस पर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। आपको एक बार मौका नहीं नहीं तुम्हें क्या आप लीजिए संदीप एकनाथ शिंदे के कैंप में।
लग रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है आपने कहा ना 3 महीने में पिक्चर बदल जाएगी? ये ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है इसके इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, आपके पास हो तो मुझे प्राइवेसी दे। कुछ जगह पर ये चीज नोटिस लगी कि 18 अप्रैल को एक पत्र साइन किया गया था जिसमें 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार साहब को था, क्या ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में था? और 2019 में भी ऐसे ही पत्र सामने आया था? कुछ नहीं, एक बार सच है 2019 यानी तीन चार साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे आगे की नीति कैसे होनी चाहिए, किसके साथ हमने जाना चाहिए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा था कि मीटिंग हो रहा है, अरे बाद में आगे का इलेक्शन आ गया और वो कुछ हुआ। पवार साहब मेरा सवाल है कि शिवसेना में भी टूट हुई, उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी टूट हुई, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इसका 2024 में कैसा असर देखते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच में? मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। आज जिनके हाथ से हुकूमत है उनको लोग दूर करेंगे और जो कुछ अपोजिशन में काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं इनके खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए गए इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। नथिंग फॉर मी अल्टीमेटली पार्टी डिसीजन पार्टी थिंकिंग पार्टी आइडियोलॉजी इज सुप्रीम फॉर मी। पिछले महीने आपने सबकी घोषणा के लिए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया, छगन भुजबल को जिम्मेदारी दी गई थी एनसीपी मुख्यालय में, तो आपको तब अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी के तरफ से कुछ गद्दार के पोस्टर भी लगे कटप्पा बताया गया। एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी कितनी इफेक्टिव है ये मुझे मालूम नहीं था। एक मिनट पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे देखते हैं? जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उससे पहले महाराष्ट्र के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और जनता के बीच में भरोसा टूट रहा है, उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल जो कुछ हो रहा है इससे मुझे खुशी है कि इसकी जबरदस्त कीमत जिन्होंने लोगों को कमिटमेंट करके इनके होश हासिल करने के बाद गलत रास्ते पर गए उनको कीमत देनी पड़ेगी। राज की स्थिति बदलेगी, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व सेना का संगठन हो, इनके हाथ में महाराष्ट्र के लोग पूरी हुकूमत देंगे। प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई लेकिन अजीत पवार साहब को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्या आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई है? अजीत पवार अपोजिशन ये जिम्मेदारी पहले उनको